Soon as we move forward for the last topic for today is that about the combustion, respiration, photosynthesis. उसके बाद respiration in animals और human beings जो है वो इंशाल्लाह ताला हम कल यानी next class में complete करेंगे. अच्छा जी, combustion, respiration and photosynthesis की जहाँ तक अगर बात की जाए as we are talking in plants, respiration and combustion are the catabolic or exothermic reactions. यानी ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव है. यानी इसमें आमतौर से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है. कंबशन में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, चाहे वो वुड हो या कोल हो, यानी जब हम चीज़ों को जला रहे होते हैं तो उसके नतीजे में भी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है वो हीट की शक्ल में रिलीज़ हो जाती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है. रिस्पिरेशन के और कंबशन में डिफरेंस क्या है कि कंबशन में होल ऑफ द एनर्जी जो है या होल ऑफ द हीट जो है वो एक्सपेल आउट कर दी जाती है एनवायरनमेंट को, ठीक है, एटमॉस्फेयर में. बट एज फार एज द रिस्पिरेशन इज़ कंसर्न, एनर्जी इज स्टोर्ड जहाँ जहाँ जब जब ज़रूरत होती है उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के या इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जाता है, ठीक है. रिस्पिरेशन और कंबशन जो है ये कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. लेकिन एज फार एज द फोटोसिंथेसिस इज कंसर्न, इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस, या हम कह सकते हैं ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है इन विच द प्लांट्स मैनुफैक्चर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रॉ मटीरियल्स. रिस्पिरेशन का फॉर्मूला क्या कहलाएगा कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हुई जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है. जबकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा एनाबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट से, और वाटर कहाँ से, वाटर जो है वो रूट हेयर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट एयर से यानी सन से, और उसके अलावा जो मौजूद क्लोरोफिल है वो लीव्स उसको ट्रैप करता है, उसके नतीजे में अपनी गज़ा खुद तैयार करता है यानी ग्लूकोज, और लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है. एंड फॉर दैट पर्पज दे हैव गॉट सोमेटा इन देयर लीव्स. प्लांट्स के अंदर जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वो कहाँ हो रही होती है, इन द लीव एंड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स. और हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या प्ले कर रहा होता है. जबकि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो तो दिन रात हो रहा होता है, और उसके लिए सारे सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए होते हैं. जैसे प्लांट्स, जैसे लीव्स हैं उसमें तो पोर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज द स्टोमेटा, सिंगुलर हम क्या कहते हैं, स्टोमा. बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड ओपनिंग्स होती हैं, और जब प्रॉपरली फिल हुआ होता है अच्छी तरह से स्टोमेटा, तो प्रॉपरली स्टोमेटा ओपन हो जाता है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है ना. दे डोंट हैव लंग्स एंड द नॉस्ट्रल्स लाइक अस, उनके पास कोई सांस लेने के लिए नाक या फिर फेफड़े नहीं मौजूद, बल्कि उनके जो सेल्स हैं सारे के सारे सेल्स जो हैं वो रिस्पायर कर रहे होते हैं ऑल द टाइम, चाहे वो दिन हो या चाहे वो रात का टाइम हो. तो स्टोमेटा यानी लीव्स में मौजूद हैं पोर्स, जबकि स्टेम और रूट्स पोर्शन में जो पोर्स होते हैं वो कहलाते हैं लेंटिकल्स. उनमें भी रिस्पिरेशन होती है हवा से, वो भी ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं. जबकि ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्योंकि क्लोरोफिल की मौजूदगी में ज़रूरी होता है एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स पोर्शन. सो फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर ये है कि जब वो उसको आप इतनी ज़्यादा हाई टेंडेंसी की रोशनी दें, हाई इंटेंसिटी की रोशनी दें जो कि एनर्जी को इस्तेमाल कर सके, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फ्यूजन करवा सके और उसके नतीजे में ग्लूकोज बनवा सके. तो इंसान प्लांट्स के अंदर जो है वो दिन रात प्रोसेस हो रहा होता है रिस्पिरेशन का, बट ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. तो स्टोमेटा इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है क्योंकि बारीक पोर्स हैं और इसके अंदर तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ हो जाती है ऑक्सीजन. बाकी तमाम सेल्स के अंदर जो स्टेम पोर्शन है या रूट्स पोर्शन है उनमें जो पोर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द लेंटिकल्स, और उसके ज़रिए से भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एंड द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स. बट एज फार एज द एनिमल्स रेस्पिरेशन एंड द ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन, वो इंशाल्लाह ताला लास्ट एक और जो टॉपिक हमारा रह गया है वो इंशाल्लाह हम कल के चैप्टर कल के रिमेनिंग पोर्शन को हम डिस्कस कर लेंगे. स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी और द प्रॉब्लम यू मे आस्क. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.